ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं वी फोर वीडियोस और यहाँ पे मेरे पास दो मोबाइल, एक है वन प्लस सिक्स और दूसरा है स्वामी का रेडमी 6 प्रो। तो आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल से बनाऊंगा स्लो मोशन वीडियो और आपसे पूछूंगा कि क्या 30,000 वाले मोबाइल का स्लो मोशन वीडियो किसी 10,000 वाले मोबाइल के स्लो मोशन वीडियो से 3 गुना अच्छा है या नहीं, इसका जवाब आप लोग ही देंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा ही। तो यहाँ पे मेरे पास रेडमी 6 प्रो और इसमें स्लो मोशन का केवल एक सिंपल सा ऑप्शन है जिसमें केवल लिखा है स्लो मोशन, जबकि हमारे वन प्लस सिक्स में स्लो मोशन के दो ऑप्शन हैं, एक फुल HD में जो कि बनता है 240 FPS पे और दूसरा ऑप्शन जो है ना वो है HD में जो कि स्लो मोशन वीडियो बनाता है 480 FPS। तो यहाँ पे मेरे पास आई बॉल का सब वूफर सिस्टम, तो मैं क्या करूँगा इसके नीचे वाले पार्ट में मैं डालूँगा सैंड और देखूँगा कि हमें कैसा नज़ारा देखने को मिलता है स्लो मोशन में और किस वाले इस मोबाइल का स्लो मोशन सबसे बेस्ट बनता है। तो सबसे पहले विदाउट स्लो मोशन 4K में तो नॉर्मल हमारी आइज को कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद हम लोग बनाएंगे स्लो मोशन में। तो ये वाला स्लो मोशन बना है हमारे 10,000 वाले रेडमी 6 प्रो से। और ये वाला स्लो मोशन बना है हमारे वन प्लस सिक्स से 240 FPS पे। और ये वाला स्लो मोशन बना है हमारे वन प्लस सिक्स से 480 FPS पे। और यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना पानी भी डाल के चेक कर लिया जाए। तो ये स्लो मोशन बना है वन प्लस सिक्स से 480 FPS पे। और ये वाला स्लो मोशन बना है हमारे वन प्लस सिक्स से 240 FPS पे। तो दोस्तों इतने सारे स्लो मोशन क्लिप बनाते बनाते हमारे वूफर की तो बैंड बज गई, खासतौर से पानी से। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही है और आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपको सबसे बेस्ट स्लो मोशन क्लिप कौन सी लगी। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।